Hello, welcome back to my channel English NCERT. We are going to start new chapter, unit number 8, story name The Musician, The Mumbai Musicians, class 2nd English NCERT Marigold. Okay, अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, तो सबसे पहले हम इसकी समरी देखते हैं. दिस स्टोरी इज अबाउट अ डोंकी नेम्ड गुपू. गुपू लव्स म्यूजिक एंड वॉन्ट टू बिकम अ म्यूजिशियन. वेन ही बिकम ओल्ड एंड कुडंट एबल टू कैरी द लोड, ही डिसाइडेड टू गो टू मुंबई टू बिकम म्यूजिशियन. ऑन द वे ही मेट अ डॉग, अ कैट एंड अ कुक. दे ऑल ज्वाइंड हिम. दे ऑल वॉन्टेड टू बिकम म्यूजिशियन एंड दियर वे टू मुंबई. दे ऑल बिकम टायर्ड एंड हंग्री. They saw a house. They all started singing to tell the people in the house that they are singers. People got scared and of their voice and they ran away. Finally, they all ate the food calmly. Okay, तो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. ओके, लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग को भी समझते हैं. ओके, हिंदी मीनिंग को. Once upon a time, there lives a donkey named Gupu. एक बार की बात है. Once upon a time मतलब एक समय की बात है. There मतलब वहाँ एक. There lived a donkey named Gupu. वहाँ एक गधा रहता था जिसका नाम क्या था? Gupu था. He had worked for many years in the हाउस ऑफ अ फार्मर. वो क्या है, वो एक फार्मर के घर में बहुत सालों से, कई वर्षों से मतलब काम किया था उसने. ही हैड कैरीड मैनी हैवी सेक्स ऑफ कॉर्न एंड सुगर कैन. उसने अनाज के भारी भारी बोरे उठाए थे. सेक्स मतलब बोरे उठाए थे. कॉर्न मतलब जो भुट्टे भुट्टे अनाज होता है जिसे मक्खा कहते हैं, तो वो कॉर्न होता है. और सुगर कैन, सुगर कैन क्या होता है? सुगर कैन होता है गन्ना, जिससे क्या बनता है? चीनी बनती है, उसे सुगर कैन कहते हैं. सुगर कैन से चीनी वगैरह, ये क्या होता है? एक स्टेम होता है विच प्रोड्यूस सुगर. नेक्स्ट है, फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री. ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. वो कहाँ लेके जाता था? वो जो खेत जो गन्ने थे, जो भारी भारी अनाज की जो बोरे उठाता था, वो फार्म से लेके फैक्ट्री तक पहुंचाता था. ही वॉज ना, अब वो क्या है? बूढ़ा हो, थका हुआ था. टायर्ड मतलब थकना, और ओल्ड मीन्स बूढ़ा हो चुका था. द फार्मर सेड टू गुपू. फार्मर ने, किसान, जो फार्मर मीन्स क्या होता है? किसान. किसान ने गुपू से कहा, यू आर अ गुड डोंकी. तुम एक अच्छे गधे हो. टेक दिस सेक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड. तो उस गधे से कहा कि तुम अब, यू आर अ गुड डोंकी, तुम एक अच्छे गधे हो. और टेक दिस सेक मतलब ऑफ कॉर्न, मतलब ये जो कॉर्न का बोरा, और सेक मीन्स क्या था? बोरा. कॉर्न मीन्स अनाज होता है, एक अनाज होता है जैसे भुट्टे वगैरह जो हम खाते हैं सर्दियों में, तो उसी को कॉर्न कहते हैं. तो उसके बोरे को वो भर के दे देता है उसे. टेक दिस सेक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड. तो बोलता है तुम इस बोरे को लो, और इससे पहले कि तुम बूढ़े हो जाओ, बिफोर यू बिकम टू ओल्ड मतलब बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाओ, तो तुम क्या है? सी द वर्ल्ड, तो तुम दुनिया को देख कर आओ. गुपू स्माइल एंड सेड गुड बाय. गुपू स्माइल करता है, मुस्कुराता है. स्माइल मीन्स मुस्कुराना. और कहता है गुड बाय, मतलब गुड बाय बोलकर. ही सेट ऑफ टूवर्ड द सिटी ऑफ मुंबई. और वो मुंबई शहर की तरफ चला जाता है. सेट ऑफ मतलब वेंट मतलब रवाना हो जाता है. किसकी तरफ? मुंबई की तरफ. टूवर्ड द सिटी ऑफ मुंबई, जो मुंबई की सिटी, उधर की तरफ निकल पड़ता है. आई एम गुड एट म्यूजिक. I will go to Mumbai and
बी अ म्यूजिशियन दियर। तो वो मुस्कुरा के जब निकल पड़ता है सिटी, मुंबई सिटी की तरफ, तो वो बोल दो, वो कहता है कि मैं एक अच्छा संगीतकार हूँ, मतलब म्यूजिक म्यूजिक संगीत बजा संगीतकार हूँ। आई विल गो टू मुंबई। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं मुंबई जाऊँगा और वहां पर क्या बनूंगा? म्यूजिशियन, संगीतकार बनूंगा। वन ऑन दी वे ही मेट अ डॉग, और रास्ते में क्या है, उसे एक कुत्ता मिलता है। मेट अ डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। वेयर आर यू गोइंग, आस्क डूपू। और जो डॉगी है वो किससे, वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन, वुड यू लाइक टू कम टू, आस्क गुपू। तो वो कहता है कि मैं म्यूजिशियन बनने के लिए मुंबई जा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू कम टू, क्या तुम भी, मतलब टू मतलब बी, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? आस्क डुपू, डुपू ने पूछा। तो यस आई वुड, रिप्लाइड डुपू। तो डुपू रिप्लाइड करता है, यस मैं भी चलूंगा, आई वुड, मैं भी चलूंगा। ऑफ वेंट दी टू फ्रेंड्स ऑन दी डस्टी रोड टू मुंबई, और दोनों दोस्त मुंबई की तरफ जा रहे थे, और धूल भरी सड़क पर निकल पड़ते। डस्टी मतलब धूल, धूल वगैरह जो होती है, डस्ट। तो उस रोड, डस्टी वाली रोड पर निकल पड़ते मुंबई के लिए। दे सॉ अ बेल अप फॉर इन द मिडिल ऑफ द रोड। तो उन्होंने बीच सड़क के बीच में क्या देखा, एक फर्मिस, क्या होता है फर्मिस, होता है शॉर्ट सॉफ्ट फाइन हेयर ऑन द एनिमल्स बॉडी, जैसे खरगोश के उसमें भी लगा रहता है सॉफ्ट सा, वैसे बिल्ली के ऊपर जब हम हाथ लगाते हैं कितना सॉफ्ट सा लगता है। अगर आपके पास फैट एनिमल्स हो, कैट, तो उसके ऊपर अगर आपने कभी हाथ लगाया तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उस वैसे ही उस उन्हें रास्ते में क्या मिलती है, सॉफ्ट फर वाली। दे सॉ अ बेल ऑफ फर इन द मिडिल ऑफ द रोड। हु आर यू, दे आस्क्ड। तो उससे पूछते हैं तुम कौन हो, हु आर यू, मतलब तुम कौन हो, दे आस्क, हुए पूछते हैं, उन्होंने पूछा। आई एम फरी, तो उसने कहा मैं फरी हूँ। दी कैट, की जो बिल्ली है, उसने कहा मैं फरी हूँ। सेड दी कैट, बिल्ली ने कहा, वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम अ म्यूजिशियन। तो क्या तुम संगीतकार बनने के लिए हमारे साथ आना पसंद करोगी? वो आस्कर गोपू एंड डोपू टुगेदर, जो गोपू और डोपू होते हैं उन्होंने एक साथ कहा। क्या बिल्ली से भी का जो कैट है उसका नाम क्या है, फरी। तो उससे पूछते गुप्पू डुप्पू, क्या तुम भी हमारे साथ म्यूजिशियन बनना बनने के लिए हमारे साथ आना पसंद करोगी? देखो जैसे ये यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर मिलती है ये रास्ते में। तो ये दोनों डुप्पू और गुप्पू, ये दोनों आज साथ में पूछते हैं, क्या तुम भी हमारे साथ म्यूजिशियन बनने मुंबई चलोगी? तो ये क्या कहती है नेक्स्ट है, ओ आई वुड लव टू कम अलोंग, रिप्लाइड फरी। तो जो फरी होती है वो क्या उत्तर देती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ आना पसंद करूंगी। सो ऑफ वेंट दी थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। तो वो क्या है, तीनों साथ में मिलकर संगीतकार बनने के लिए कहाँ चल पड़ते हैं, मुंबई के लिए। सोन दे मेट कुकू दी कोक कॉक, आई लव म्यूजिक एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड। तो नेक्स्ट उन्हें कौन मिलता है, जल्दी उन्हें क्या मिल जाता है, कुकु, कुकु को क्या मिल, कुक मिलता है, जो कौन होता है, एक हैन मुर्गा होता है। तो वो भी क्या कहता है कि मुझे भी संगीत बहुत पसंद है, और मैं भी तुम्हारे, आई विश टू ज्वाइन योर बैंड, मैं भी तुम्हारे बैंड में शामिल होना चाहता हूँ। तो दे ऑल रिस्ट अ हाउस विद अ लाइट, दे वर टायर्ड एंड हंग्री। और वो क्या है, सभी एक घर के पास पहुंचे जहां पर क्या है, एक लाइट थी, जहाँ पे लाइट रोशनी थी। तो वो वहां पर सब पहुंचते, और क्या है, सब लोग दे वर टायर्ड एंड हंग्री, और सब लोग बहुत थके हुए और भूखे भी थे। हंग्री मीन्स भूखे, टायर्ड मीन्स थकना। दे पिप्ड इन इन थ्रू दी विंडो एंड सॉ अ टेबल विद डिलीशियस फूड। और उन्होंने खिड़की से झांका, विंडो मिस क्या होता है, एन ओपनिंग इन दी वॉल, जो खुलासा रहता है, जो कि उसे खिड़की कहते हैं। तो उन्होंने वहां से झांका और क्या देखा उन्होंने, डिलीशियस, डिलीशियस मिस क्या होता है, टेस्टी सा, जो
टेस्टी सा फूड होता है। तो दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियंस। तो वे सब वे डिसाइड करते हैं कि हम ना अंदर 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 जो अंदर खाने को देखा देखा उन्होंने, तो डिसाइड करते हैं कि हम ना लोगों को बताते हैं कि हम एक क्या है हम म्यूजिशियन है। तो वो क्या है गाना गाने लग जाते हैं। दे सेंग, और सेंग सेंग क्या है पास्ट टेंस है सिंग का। तो गाना सेंग मीन्स क्या होता है गाना गाया, मतलब उन्होंने दे सेंग गाए वे उन्होंने गाया। दे पीपल इनसाइड थॉट दैट गोस्ट हैड कम टू स्केयर देम एंड दे रन अवे एज फास्ट एज दे कुड। उन्हें क्या लगता है कि कोई, जैसे उन्होंने गाना गाया और अंदर के लोगों को क्या लगा, दी इनसाइड पीपल, इनसाइड मतलब अंदर के जो लोग थे, जैसे जो यहाँ पर देखो इनसाइड मतलब ये खिड़की से इन्होंने देखा, तो उन्हें तो जो एक खिड़की के अंदर के जो लोग हैं कमरे में जो, तो उन्हें क्या लगता है गोस्ट, गोस्ट मतलब भूत, एनीथिंग हंटिंग, जैसे भूत होता है जिससे लोग डरते हैं, बोलते बार बार देखो भूत आ जाएगा, बच्चों को डराते हैं ना जब स्टोरी सुनाते हैं उसमें भूत होता है। तो उन्हें इन्हें जो ये अंदर लोग हैं उन्हें क्या लगता है दैट गोस्ट हैड कम टू स्केयर देम, और तो उन्हें क्या लगता है कि भूत उन्हें डराने के लिए आ गया है। वो क्या है बहुत ज्यादा डर जाते हैं, स्केयर मतलब काउजिंग फियर मतलब बहुत डरावना जो होता है। देम वो क्या है दे रन अवे एज फास्ट एज दे कुड, वे जितनी तेजी से भाग सकते थे वो वहां से भागे। और इसके बाद क्या होता है जो गुप्पू डुप्पू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड टिल दे कुड एट नो मोर। वो जो गुप्पू डुप्पू फिर उसके ये लोग तो सब भाग जाते हैं जितने यहाँ पर जिनका खाना था, तो ये लोग अंदर जाते हैं भरपेट पूरा अच्छे से खाना खा लेते हैं अच्छे से जितना ये खा सकते थे क्योंकि भूखे तो थे ही पूरे रास्ते में चलते हुए आ रहे थे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, इसका फर्स्ट क्वेश्चन 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 है व्हाई डिड द फार्मर टेल गुप्पू टू सी द वर्ल्ड। किसान ने गुप्पू को पूरा वर्ल्ड मिस क्या होता है वर्ल्ड मिस होता है हेयर आउटसाइड प्लेस मतलब पूरी दुनिया, वर्ल्ड्स मतलब दुनिया होता है हिंदी में, इसे वर्ड्स का मतलब है दुनिया। तो किसान ने गुप्पू को विश्व देखने की बात क्यों कही। आंसर इसके द फार्मर टोल्ड गुप्पू टू सी द वर्ल्ड बिफोर ही बिकम टू ओल्ड टू कैरी एनी मोर लॉर्ड लोड ऑन हिज बैक। क्वेश्चन नंबर टू है व्हाई डिड गुप्पू डुप्पू एंड फरी वेंट टू मुंबई। तो गुप्पू डुप्पू एंड फरी मुंबई क्यों जाना चाहते थे, हमने पूरी स्टोरी में क्या पढ़ा दी गुप्पू डुप्पू एंड फरी वांटेड टू गो टू मुंबई एज दे वांटेड टू बिकम म्यूजिशियंस, क्योंकि वो एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। म्यूजिशियन मींस क्या होता है अ पर्सन हु कंपोजेस म्यूजिक मतलब जो गाना गाते हैं, तो क्या बनना चाहते थे म्यूजिशियंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे, जो घर के जो लोग थे जो पार्टी करने आए हुए थे वो क्यों भाग गए। The people inside the house run away as they thought that ghost had come to scare them. So let's talk. Question number one. If you were to join the animal band, which animal would you want to be? Create the sound of the dead animals. Do it together with your friends as a group. Create a sound of animals. Each one of You want to be. Answer है, इसका answer आप खुद से करोगे कि आपको कौन सा animals पसंद है और कौन से किस किस जानवर के समूह में आपको शामिल होना है और कौन सा जानवर आप बनना चाहोगे और उस जानवर की आप आवाज कैसे निकालोगे अपने दोस्तों के साथ समूह में। आपको ये सब चीजें करनी है और आवाज निकालनी है, जैसे म्याओ डॉगी कैसे करता है भौंक भौंक वैसे अच्छे से लॉइन कैसे और करता है, तो वैसे किसी भी साउंड को आप अपने ग्रुप एक्टिविटी में कर सकते हो। ओके ये आपको क्या है अपने आप से करना है। ओके क्वेश्चन नंबर टू क्या है द डोंकी सॉ अ बेल ऑफ फर एंड इट वाज अ कैट। इफ यू वर टू सी अ बिग बेल ऑफ फर व्हाट कुड दैट बी। तो इफ आई वर टू सी अ बिग बेल ऑफ फर देन आई वुड बी अ पोलर बियर। पोलर बियर के भी ऐसे सॉफ्ट फर होते हैं। ओके नेक्स्ट है लेट्स शॉर्ट आउट दिस वर्ड्स। ओके जो ये वर्ड्स है इनको क्या है आपको
pick the word from the bag and put them on the right shelf. One has been done for you and say the words aloud. आपको क्या है जो ये वर्ड्स यहाँ पे थैले में रखे गए, जैसे ये बैग है तो इसमें रखे गए, तो आपको क्या है इसको नीचे एक शेल्फ दी गई, शेल्फ मीन्स अलमारी होती है, तो अलमारी दी गई है, तो आपको उसको जो इसकी साउंड है, जिसकी साउंड एक सेम साउंड वाले को एक जगह रखना है. ओके, जैसे यहाँ पे शेल्फ दिया गया, जैसे शॉर्ट ई वाले साउंड वर्ड्स कौन कौन से है, लेग, नेक्स्ट, वेल, बेल, तो ये क्या है शॉर्ट ई साउंड है इसमें. तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, जैसे ये आपको यहाँ से कैरी करना था इसको. ओके, तो नेक्स्ट क्या है शॉर्ट आई वाले वर्ड्स कौन से, बिग, फिश, लिप, हिल. और नेक्स्ट क्या है लॉन्ग ई वर्ड्स, डीप, सीड, ट्री, स्ट्रीट, मील. ये क्या देखो यहाँ पे क्या है बहुत शॉर्ट साउंड थी, लाइक, नेक्स्ट, वेल, बेल. और यहाँ पे देखो डीप, सीड, ट्री, स्ट्रीट, मील. ओके, ये लॉन्ग साउंड है. ओके, और वैसे ही लॉन्ग साउंड आई की भी देखो लॉन्ग वर्ड्स कौन से बनते, स्माइल. और यहाँ पे देखो क्या था, पिक, फिश, और यहाँ पे क्या है स्माइल. देखो कितनी लॉन्ग साउंड गई है इसकी आई की, डाइस, काइट और लाइन. ओके, तो आपको ऐसे और भी वर्ड्स ढूंढने जो जिसकी लॉन्ग साउंड होती, लॉन्ग वर्ड्स होते हैं जो शॉर्ट वर्ड होते हैं. ओके, लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर वन. डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर आप प्ले करते हो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को तो से यस आई कैन प्ले अ तबला. और नोट यू कैन राइट आंसर एज पर योर चॉइस. ओके, ये कंपलसरी नहीं है कि जो मैंने आपके लिए आंसर राइट किया है तो वही आपको, आपको सकता है और कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, किसी और इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हो तो आप उन्हें राइट कर सकते हो यहाँ पे. ओके, क्वेश्चन नंबर टू, इफ नॉट विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वॉन्ट टू लर्न, अगर नहीं तो तुम कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा यदि नहीं तो तुम कौन सा बाजा बजाना या सीखना चाहते हो, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो. तो आई वुड लाइक टू लर्न टू प्ले अ द गिटार. नोट, और ये आपको ये गिटार नॉट कंपल्सरी है कि गिटार ही होगा, आप कुछ और भी बजाना चाहते हो तो आप उसका नाम राइट करो यहाँ पे. ओके, आंसर में वो लिखना है आपको. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, एट द वर्ड ऑफ द अपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंस, अंजूस मदर एंड, तो आपको क्या करना है यहाँ पे जो इसका अपोजिट होगा, अपोजिट मतलब जो विलोम शब्द होते हैं, आपने हिंदी में पढ़े होंगे अपोजिट विलोम शब्द, इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स को जैसे विलोम शब्द बोलते हैं हिंदी में, उसका अपोजिट लिखना है आपको. जैसे अंजूस, अंजूस मदर, अंजू 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 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मदर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मदर का फादर हो जाता है, जैसे फादर इसका अपोजिट होगा. अंकल का क्या होगा, आंटी. और जैसे यहाँ पे लाइन है तो लाइन का क्या हो जाएगा, लाइनेस. और यहाँ पे किंग है, किंग का क्या होगा, क्वीन. और नेक्स्ट क्या है मैन, मैन का क्या हो जाएगा, वीमैन. नेक्स्ट है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर का क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर. ओके, वैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए आंसर भी राइट कर दिए और आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से ट्राई करो. ओके, नेक्स्ट है फन टाइम, लेट्स प्ले बिंगो, राइट एनी 9 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट इन द बॉक्सेस, पुट ओनली 1 वर्ड इन 1 बॉक्स एंड द टीचर विल कॉल आउट एनी 6 वर्ड, इफ द वर्ड ही कॉल आउट इन द बॉक्स पुट क्रॉस एंड वन हु क्रॉसेस आउट एंड वर्ड फर्स्ट शाउटेड बिंगो एंड द विनर. आपको क्या करना है इन वर्ड्स को, क्या करना है आपको बिंगो नीचे दिए गए जो शब्द है एक बॉक्स में भरना है, जो भी शब्द आपको बोलेंगे. तो ये क्या है आपको खुद से करनी है, ये भी एक्टिविटी है. ओके, नेक्स्ट है इन व्हाट वे आर दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, पुट देम इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर प्लेड. आपको क्या है ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे दिए गए हैं तो आपको क्या देखना है कौन से फिंगर से प्ले करते हैं, कौन से
ये स्ट्रिंग से प्ले होता है, कौन से आपके फूक मारने से प्ले होता है, तो आपको क्या है इसको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में. ओके, जैसे मैंने आपके लिए आंसर में दे दिया, जैसे डपला, ढोलकी क्या है, हाथ से बजाते हैं, हाथ फिंगर से बजाते हैं, और देखिए फ्लूट होती है जैसे, इसे इसमें क्या है फूक मारनी पड़ती है, तो जो गिटार सितार होता है इसमें स्ट्रिंग लगी रहती है, एक तारा में भी स्ट्रिंग लगी हुई है और वायलिन में भी स्ट्रिंग लगी हुई है, तो आपको क्या है इन्हें डिवाइड करना है अलग. फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से ट्राई करो इसको, फिर मैंने आपके लिए आंसर को यहाँ पर टाइट कर दिया. जैसे इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले विद फिगर फिंगर, जैसे तबला, डपली और ढोलक. नेक्स्ट है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से, गिटार, सितार, वायलिन और इकतारा. नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट दैट यू ब्लो इनटू दी, जिसमें आप क्या है फूक मारते हो, वो कौन सी होती है, शहनाई और फ्लूट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड दी कॉल्ड अ जल तरंग, तो आपको क्या है जल तरंग, इसमें इसमें क्या करना है आपको, मेक योर ओन, मतलब ये आपको खुद से बनाना है. गेट अ 6-10 बाउल ऑफ द सेम साइज एंड शेप एंड प्योर वाटर इनटू द बाउल्स एंड कीप वाटर डिफरेंट फ्लेवर्स, यूज टू पेंसिल्स एंड स्ट्रिंग एंड रिम ऑफ द बाउल टू मेक अ म्यूजिकल साउंड. आपको ये खुद से करना है और ये एक्टिविटी ना आप छोड़ा मत करो, ये कंपलसरी होता है, इससे क्या है आप कुछ ना कुछ सीखते हो. ओके, तो लेट्स ट्राई. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड जल तरंग इज मेड अप टू वर्ड्स जल, वाटर एंड तरंग, म्यूजिक. नाउ मेक अ न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स ऑन वन हैज बीन डन फॉर यू. जैसे यहाँ पे क्या है आपको दो वर्ड्स से मिला के वन वर्ड्स बनाना है, इसे क्या कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स भी बोलते हैं. जैसे न्यूज पेपर, तो ये इसका एक वर्ड्स क्या होगा, न्यूज पेपर, स्कूल बैग, टूथपेस्ट, नेकलेस, समवन, बाथरूम, टाइम टेबल, फुटबॉल और कारपेट. आपको क्या है इसे ज्वाइन करना है एक दूसरे के साथ, आपको क्या करना है मिलाना है. ओके, ज्वाइनिंग वर्ड्स, दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बनाना है. ओके, जैसे हम सब मैंने यहाँ पे राइट कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर सेल्फ बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, आपको क्या है बस कुछ भी चेंज नहीं करना है इसे, इसमें क्या है आपको इन दोनों को एक साथ लिख देना, न्यूज पेपर को बस प्लस को हटा देना सारी जगह से. ओके, नेक्स्ट है आपको लेट्स प्रैक्टिस, ये क्या है कर्सिव राइटिंग है, आपके आपके इससे क्या है बहुत सुंदर राइटिंग हो जाती है अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो. आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है. गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, आपको इसको लिखना है कितने, हाउ मेनी टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, और आप इसके बाद इसकी प्रैक्टिस अपनी नोटबुक में भी कर सकते हो. ओके, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होने लग जाती है, आपको राइट वैसे ही राइट करना है जैसे इसमें राइट किया गया है. ओके, वी आर डन दिस वंडरफुल स्टोरी, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेरी, बिकॉज इट दिस स्टोरी इज वेरी इजी, इफ यू हैव गॉट एनी डाउट प्लीज मेंशन इन दिस कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व योर डाउट. ओके, प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो, थैंक यू.